हे गाइस, आई एम अरिजीत दास, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। दोस्तों आज जिस फोटोशूट की बैंड सीन दिखाने वाले, ये काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल भी होने वाला है। क्योंकि गाइस नॉलेजेबल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखे होंगे जितना सारा बीटीएस वीडियो है, मैं हम ज्यादा बीटीएस वीडियो के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इस बार कोशिश की है कि हम बीटीएस वीडियो अच्छे से बना पाए। सिनेमेटिक वीडियो तो हम बाद में बनाएंगे, बट उससे पहले हम बीटीएस वीडियो को अच्छे से बना पाए। क्योंकि गाइस ऐसे में हम देखे हैं कि जो लोग एक्चुअली, मेरा भी इसी तरह का प्रॉब्लम होता था जब हम पहले हम फोटोग्राफी स्टार्ट किए थे, तो गाइस मैंने सोचा तो चलो अच्छे से बीटीएस वीडियो कर दे कि जो लोग बिगिनर है, जो लोग अच्छा नया नया तो कैमरा खरीद लेते हैं, ऐसे सॉफ्ट बॉक्स ऑक्टा अच्छा खासा फ्लैश भी खरीद लेते हैं, बट ठीक से प्लेसमेंट करना नहीं आता है कि मतलब कौन सा लाइट की लाइट को कहाँ प्लेस करें या दूसरा बैकलाइट को कहाँ प्लेस करें। तो मैंने कोशिश की है कि एक्चुअल बीटीएस वीडियो में दिखा पे कि ऑक्टा को कहाँ रखें, दूसरा पीछे वाला रिम लाइट को कहाँ रखें, वही हम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह का हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बीटीएस वीडियो में आते हैं एंड एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि कौन सा लाइट मैंने यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे जो आप लोग बीटीएस वीडियो में दिख रहा है, सामने से जो आप लोग सॉफ्ट बॉक्स देख रहे हैं ऑक्टा के साथ, मैंने ये जो ऑक्टा हम यूज़ कर रहे हैं ये 85 सेंटीमीटर का एक ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स है। एंड उसके आगे भी और एक चीज़ लगा हुआ है, ग्रिड लगा हुआ है। ग्रिड क्यों लगा है ये भी बता देते कि आप लोग पूछेंगे कि ये सामने से जो नेट टाइप का कुछ है, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं, एक्चुअली है क्या इसको, एक्चुअली ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड क्या करता है ना, लाइट को बहुत कॉन्सेंट्रेट करता है। मतलब आप लोग जगह जिस जगह पर शूट कर रहे हैं, लाइट को आप लोग एक डायरेक्शन मतलब यूनी डायरेक्शनल करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ऊपर डायरेक्शन में लाइट को फैलने के काम करते हैं। एंड सॉफ्ट बॉक्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 85 सेंटीमीटर का एक ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स, एंड उसके पीछे जो फ्लैश आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं गोडॉक्स का AD200 Pro। मैं बता दूँ गाइस, AD200 Pro हम इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई फ्लैश नहीं है, इसीलिए हम AD200 Pro यूज़ करो। इसके जगह आप अगर कोई भी फ्लैश है आपके पास, जैसे TT685 गोडॉक्स का, V1 या V860, कोई भी फ्लैश आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर फ्लैश होना चाहिए, कोई भी हाइसेंग का फ्लैश होगा तो अच्छा होगा। एंड दूसरा मैंने लाइट जो यूज़ कर रहा हूँ सामने से, जो कांस्टेंट लाइट जो रिंग लाइट देख रहे हैं, ये एक्चुअली कांस्टेंट लाइट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से फोकस भी कर पाए, वो शैडो भी ना आए, या कोई भी ऐसा नेक के नीचे मतलब नेक के साइड में या गले में कोई भी शैडो ना आए। एंड गाइस पीछे जो आप लोग लाइट दिख रहा है, ये मैंने गोडॉक्स का V1 फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ मैंने, आप लोग देख पा रहे हैं कि उसके साथ मैंने एक बांडोर लगा हुआ है। बांडोर का काम क्या होता है ना, लाइट को भी एक बीम बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा हो सके। इसके अगर कोई भी स्मूथ भी यूज़ कर सकते हैं या बांडोर भी यूज़ करते हैं। मैं बांडोर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा वाइड ऐसे वाइड करके हम लाइट को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बांडोर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग लाइट को, आप लोग आई होप कि आप लोग लाइट समझ गए कि कौन सा लाइट मैंने कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एंड दूसरा अब जो दिख रहा है बैकड्रॉप, अगर इसके जगह कोई भी आप लोग बैकड्रॉप यूज़ करते हैं, मैं एक टेक्सचर बैकड्रॉप यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसके जगह आप कोई भी बैकड्रॉप, आपके हिसाब से आपको कौन सा फोटोग्राफी कर रहा है उसी के हिसाब से आप लोग को बैकड्रॉप चाहिए। एंड बैकड्रॉप के ऊपर में आप लोग साइड में जो ऐसे आर्च दिख रहा है, ये आप लोग मैंने आप लोग कोई इसके जगह भी आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई दोनों कलर की चुनरी मैंने लगा हुआ है, ऐसे आर्च बना हुआ है कि फोटो में फोटो के बैकग्राउंड में अच्छे लगे, इसीलिए मैं यूज़ किया है। ऐसे देखिएगा एक सिंगल बैकड्रॉप के ऊपर फोटो ले लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, बट कुछ कुछ कंपोजिशन बनाते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए हम मैंने लगाई है। तो चलिए गाइस और एक बात बता दूं गाइस कि अगर कोई ये सेटिंग्स जानना चाहता है कि मतलब जो एम्बिएंट लाइट है एंड फ्लैश लाइट है दोनों को बैलेंस कैसे करें, इसके ऊपर कोई आप लोग प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में बताना, हम कोशिश करेंगे इसके लिए एक सिंगल वीडियो बना दे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए एंड लास्ट तक देखना। एंड हर वीडियो की तरह जो भी कैमरा का मैंने सेटिंग्स रखा हूँ एंड लाइटिंग का सेटिंग्स रखा है, कौन सा लाइट मतलब की लाइट ऑक्टा या की लाइट को कितना पावर में रखा है या V1 को कितना पावर में रखा है, वो सारा डिटेल्स हम फोटो की आउटपुट फोटो के साइड में दे देंगे। आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या सेटिंग्स होना चाहिए या क्या सेटिंस मैंने रखे थे। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड लास्ट तक जरूर देखिए।